नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का नमूना प्रश्न पत्र लेकर आए हैं संस्कृत विषय का। तो यहाँ कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जो सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें आता है वो है वस्तुनिष्ठ। खंड ए में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। इसका उत्तर हो जाएगा ब निसर्गे। दूसरा इसमें है बुद्धिर बलवती सदा। कथा कुतः संग्रहिता, कहाँ से ली गई है ये कथा? सुक्त सप्तितः। नंबर 3 में आ रहा है शिशुपालनम इत्यस्य पाठस्य रचयिता कः। उत्तर होगा इस पाठ के रचयिता हैं दिङ्गनागः। मनुष्य किम कृत्वा नावसीदति, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें आलस्य। तीसरा इसमें आता, पांचवा आता है सिंहस्य पुंछम कः धुनोति, शेर की पूंछ को कौन खींचता है? वानरः। नंबर 6 में है प्रथमो धर्मः कः, इसका उत्तर हो जाएगा आचार्यः। प्रश्न नंबर 7, 7 में पूछ रहे हैं निष्कपटः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, इसमें संधि विशेष छेद बताना है निष्कपटः, इसका उत्तर हो जाएगा ब। फिर अगला इसमें आता है प्रकृतिः एव इत्यस्य संधि पदम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा प्रकृति रेव। नंबर 9 में पूछा जा रहा है शचुत्व संधे उदाहरणम अस्ति, शचुत्व संधि का उदाहरण है सचित। अनुस्वार संधि का उदाहरण बताना है फलम अस्ति। अनुरथम, समास विग्रह क्या होगा? रथस्य पश्चात। फिर है द्विगु समास का उदाहरण क्या है इसमें, तो वो है पंचपात्रम। नंबर 13 में पूछा जा रहा है मुख कमलम इत्यत्र कह समासः, मुख कमलम इसमें समास कौन सा आ रहा है? कर्मधारय। आचारः इत्यत्र पदे क उपसर्गः आंग, अर्थात आ इसमें उपसर्ग है। फिर है दुर्वहम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, दुर्वहम शब्द जो है इसको आपको अलग करके बताना है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा दुर प्लस वहम। नंबर 2 में आ रहा है रिक्त स्थान, यहाँ पर प्रत्यय और शब्द दिए हैं, इनको जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पहले में जो रिक्त स्थान आएगा सा बालिका, टा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बालिका मधुरम फलम खादति। फिर उसके बाद में है तल आ रहा है इसमें, तो तत्र यहाँ लिखेंगे जनता। फिर आता है इसमें नंबर 3 में शिशुः पतति, धाव के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ना है तो बन जाएगा धावन। एतत् गृहम् अस्ति, अस्मद् शब्द की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, उत्तर लिखेंगे इसका मम। इसमें है हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा हरिये। फिर है नंबर 6 में स्वः अहम पत्रम लिक धातु लिट लकार, तो यहाँ लिखेंगे हम लिखी श्यामी। और एक अंत में पूछा है ते जनाहा धनम, यहाँ पर दा धातु लट लकार लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम ददती। फिर आ रहा है नंबर 3 में गद्यांश, यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़े अच्छे से और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मैं इनके प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ। पहला इसमें प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है भारते सर्वत्र का अस्ति, तो गद्यांश के अनुसार इसमें उत्तर होगा विविधता। दूसरा है मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जना कुर्वन्ति, किस भाषा में लोग उच्चारण करते हैं? तो उत्तर लिख देंगे संस्कृत भाषायाम। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछ रहे हैं वयम
एकम किम गायामः, क्या गाते हैं हम सब एक, वो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा इसमें राष्ट्र गानम। इसका भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, इसका उत्तर लिखेंगे हम संस्कृति। प्रश्न आ रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारतीय संस्कृति है मूल मंत्र क, गद्यांश में लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ आपको, सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय च। दूसरा पूछा है भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति, तो का के स्थान पर हमें लिखना है संस्कृत भाषा। उसके बाद में है भारते कस्याः सुमधुरा धारा प्रवहति, इसका उत्तर हो जाएगा गद्यांश से विविधताया मपि एक तायाः। और इस पे शीर्षक पूछा है, अब अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, तो इसमें शीर्षक होगा विविधता में भी एकता, तो इसका उत्तर भी इसके जैसे ही समान ही होगा, तायमपि इसमें लिखेंगे सिर्फ एकता, ये हो गया इसका उत्तर। अब आता है भाषिक कार्यम यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला पूछा है वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामः इत्यत कृत पदम, यानी कि इसमें कर्ता पद कौन सा है, तो वो है वयम। सुमधुरा धारा प्रवहति इत्यत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है, सुमधुरा। फिर तीसरे में पूछा है माता इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशम चित्वा लिखत, तो गद्यांश में माता का आया है पर्यायवाची जननी। चार का उत्तर हो जाएगा, इसमें जो क्रियापद आएगा, जो पंक्ति गद्यांश में दी है उसमें क्रियापद होगा कुर्वंती। अब आ रहा है संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखना है संख्यावाची इन शब्दों को, तो जैसे इसमें एक पहला दे रखा है 125, तो 125 संस्कृत में हमेशा पीछे की संख्या पहले लिखी जाती है, तो 25 है 5 और 20, यानी लिखेंगे यहाँ पंच विंशत्याधिक शतम। कक्षा दसवीं में आपके 100 से ऊपर की संख्याएं पूछी जाएंगी परीक्षा में, और इसका एक वीडियो भी हमने बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी संख्या इसमें पूछी है 328 का लिखेंगे अष्ट विंशत्याधिक, 300 से ज़्यादा है इसलिए त्रय शतम। किस प्रकार से संख्याएं लिखी जाती है उसमें हमने आपको पूरे अच्छे से समझा रखा है, आप वीडियो पे क्लिक करके देख लें। फिर अगला इसमें आता है खंड ब, इसमें दे रखा है बालकः कलमेन पत्रम लिखति, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम लिखत, विभक्ति और कारण बताना है हमें, तो यहाँ पर जो है करण कारक के अनुसार यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में, करण कारके तृतीय विभक्ति, इस प्रकार से हमें उत्तर देना होगा संस्कृत भाषा में। दूसरा पूछा है पितरेण सह पुत्र नगरम अगच्छत वाक्य संशोधयत, यहाँ वाक्य संशोधित करना है, अर्थात यहाँ सह शब्द आया उपपद विभक्ति का, तो इसको संशोधित करना है तृतीय विभक्ति, तो पितृ की जो तृतीय विभक्ति होती है वो होती है पित्रा, तो पितरेण की जगह लिखेंगे पित्रा और बाकी वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे। अपि कुशलम महाराजस्य, प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद का, तो इसका प्रश्न निर्माण महाराजस्य की जगह लिख देंगे कस्य और उसके बाद में प्रश्नवाचक लगा देंगे।
एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन, तो एक चबूतरे पर उन्होंने रखा, तो कहाँ रखा, इसीलिए चत्वरे की जगह लिख देंगे कुत्र। और फिर प्रश्नवाचक, प्रश्न आठ में आपको दे रखा है हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत, तो जो श्लोक दे रखा है उसका सप्रसंग भावार्थ लिखना है। नौ में है आपके ये जो श्लोक दे रखा है यहाँ पर विचित्रे खलु संसारे नास्ति, तो यहाँ अन्वय दिया हुआ है इसी श्लोक का, रिक्त यहाँ मंजूषा भी दे रखा है, तो मंजूषा से देख करके आपको ये रिक्त स्थान पूरे करने, श्लोक और मंजूषा को देख करके। तो सबसे पहले इसमें लिखा है विचित्रे, विचित्रे के बाद में यहाँ आ गया जो मंजूषा से लिखेंगे हम, लिखेंगे संसारे। फिर उसके बाद में दूसरे रिक्त स्थान में आया है नास्ति, तो नास्ति से पहले यहाँ मंजूषा से हम लेंगे निरर्थकम। ये प्रश्न भी आपकी किताब में आ रखा है लेकिन रिक्त स्थान थोड़े से बदल दिए हैं। फिर आया इसमें खलु चेत अस्वह, अब तीसरे में जो हमें लिखना है यहाँ रिक्त स्थान वो लिखेंगे धावने, और उसके बाद में दे रखा है भारत से वहने वीरह, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा खरह। प्रश्न दस में पूछ रहे हैं स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम् लिखत यो यस्मिन् पत्रे प्रश्न पत्रे न स्यात्, जो प्रश्न पत्र में नहीं आए वो दो श्लोक आपको इसमें लिखने हैं। ग्यारहवां में पूछा है विचित्र साक्षी पाठ का सार जो है, इस कथा का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। पर्याय पदम मेलियत, पर्याय पद दिए हुए हैं इनका मिलान करना है, तो क स्तंभ को कैसे मिलाते हैं, सलिलम का हो जाएगा इसमें जलम, वनम का होगा काननम, सुता का होगा पुत्री और दशने का होगा दंते है। नंबर तेरह, इसमें आपको अव्यय पदों से जो मंजूषा में दे रखे हैं उनसे आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला इसमें आया है अहम जयपुरम गमिष्यामि, तो यहाँ लिखेंगे जो पहला रिक्त स्थान है इसमें लिखेंगे अपि। दूसरे में पूछा है रमेशः मया सह गमिष्यति, तो यहाँ जो आएगा मंजूषा से वो आएगा स्वः। और नंबर तीन में पूछा है त्वम अत्र तिष्ठ, तुम यहाँ ठहरो या रुको, तो यहाँ आ जाएगा एव। खंड स, इसमें आपको गद्यांश दिया है, इससे चुनकर के आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, ये आपके पाठ से ही है, तो इनमें भी आपको गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न पंद्रह में श्लोक दे रखा है जो अंतिम पाठ है उसमें से, तो इनके प्रश्नों के उत्तर आपको श्लोक में से देने होंगे। और दूसरा अथवा में पूछा है, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। सोलह में आया है एक नाट्यांश, इस नाट्यांश में भी आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अथवा में इसमें भी पूछा है, तो दूसरा नाट्यांश इसमें चैप्टर नंबर फोर में से दे रखा है लव कुश वाले शिशुलालनम में से, दोनों में से कोई भी आप एक करें, शिशुलालनम का पाठ है उसमें से दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें ये कहानी दे रखी है, पहली पंक्ति इसमें हो जाएगी जैसे एकदा कश्चित कुकुरः एकाम रोटिकाम प्राप्नोत, दूसरी पंक्ति जो हम वापस जोड़ करके इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे स रोटिकाम मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वह रोटी को मुख में लेकर के गया था। फिर उसके बाद में कहाँ गया था, वो नदी के पास में गया, तो वहाँ जा करके उसने तब वह नदी के जल में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, फिर अपने प्रतिबिंब को देख करके उसे दूसरा कुत्ता माना और रोटी को प्राप्त करने का सोचा। फिर उसके बाद में आ जाएगा इसमें नंबर फोर वाली पंक्ति स कुकुर रोटकाम रोटिकाम प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, उसने रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मुख को खोला। और अंतिम पंक्ति जो इसमें आएगी वो फर्स्ट है तदा तस्य मुखस्ता रोटिका अपि जले पतति, उसके मुख से रोटी गिर जाती है। दूसरा इसमें जो दे रखा है उसमें आपको छह वाक्य लिखने हैं, अथवा में जो दे रखा है ये थोड़ा कठिन है, तो आप इससे पहले वाला कथा का कर लें आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा। खंड द में आपसे
पूछा जा रहा है इस प्रश्न में 18 में कि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आपका नाम रमेश है और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए पत्र लिखना है। अथवा में एक और दे रखा है जिसमें है आप दीपक हैं और परीक्षा प्रमाण के विषय में, परिणाम के विषय में अपने पिता को पत्र लिखना है। तो यहाँ मंजूषा दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको पत्र पूरा करना है। मंजूषा से इस पत्र को पूरा कर लेना है, रिक्त स्थान दे रखा है और रिक्त स्थान वाला पत्र ज़्यादा सरल होता है, तो इसको देख करके आप पूरा कर लें। उसके बाद में आता है 19, यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ जो मंजूषा दे रखा है इससे आपको 8 वाक्य लिखने हैं। किस पे लिखने हैं? वाटिकायाः शोभा विषय, बगीचे की शोभा के विषय में आपको इस मंजूषा से 8 वाक्य लिख करके उत्तर देना है। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार आपको वाक्य पूरे करने हैं। क्या फिर आप कर सकते हैं ये वाला प्रश्न जो वार्तालाप है, इसमें भी मंजूषा दे रखा है और आपको ये वार्तालाप पूरा करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 20। 20 में आपसे पूछ रहे हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरोत्। अनुवाद करना है केवल 4 वाक्यों का। देखो, विद्यालय के पास गांव है, यानी कि समीप, तो विद्यालय से समीपे पास में है, इसलिए समीपे ग्रामम अस्ति। दूसरा इसमें है नगर के चारों ओर वृक्ष है, तो यहाँ लिख लेंगे नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। प्रकार से आपको इनमें से कोई भी 4 जो है उनका संस्कृत अनुवाद करना है। तो ये पेपर आपका है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लें परीक्षा से पहले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस नमूना प्रश्न पत्र को देख करके लाभ उठा सकें।